नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिस तिरंगे की शान में केवल भारतवासी ही नहीं विदेशी भी सिर झुकाते हैं, जिस तिरंगे के सम्मान के खातिर अनेकों शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसी तिरंगे को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर वही तिरंगा अपमानित होकर जमीन में पड़ा रहा। ये मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के केसली तहसील की शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां ध्वजारोहण के बाद सभी रक्षाबंधन मनाने में व्यस्त हो गए और बारिश आंधी का दौर शुरू हो गया। जिस पाइप में तिरंगा फहराया गया था वो पाइप जमीन में गिर गया, जिसके कारण तिरंगा काफी देर तक पानी में पड़ा रहा। जब शाम को वहां बच्चे खेलने पहुंचे तो उन्होंने तिरंगे को उठाकर स्कूल के अंदर चैनल गेट में डाल दिया। सार्वजनिक मंच पर जनपद अध्यक्ष और सरपंच और सारे ग्राम के गणमान्य नागरिक उपस्थित होते हैं, किसी के ध्यान में ये नहीं आया कि ये कमजोर फाउंडेशन है तो यहाँ पर ध्वजारोहण न किया जाए, क्योंकि हमने गणतंत्र दिवस पर स्टेडियम में जो एक मंच बना है वहाँ पर एक अभिनव प्रयोग किया था, वहाँ से हम सब ने मिलकर गणतंत्र दिवस मनाया था। लेकिन कुछ दतियानुषी लोगों ने उसी जीर्णशील जगह पर, हमारे यहाँ परंपरा है यहीं पर उत्सव मनाया जाएगा, यहीं से मनाया जाएगा, तो वहाँ जो भी जिम्मेदार लोग हैं तात्काल बनाया गया, उनकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और ये राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान हुआ है, वहाँ गर्ल्स में भ्रत हैं, वहाँ भी में भ्रत हैं, अन्य पंचायत में भ्रत हैं और अन्य अधिकारी हैं, ये जवाबदेही लेना थी कि उसकी सुरक्षा तो प्राणों से भी ज़्यादा करना पड़ती है। संभाग ब्यूरो विनोद जैन की रिपोर्ट।